प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वॉम वेलकम टू दन एंड ओनली दाउंडर ऑफ इंग्लिश लवर्स चैनल मिस्टर सत्येंद्र सिंह इज इट रियल और इज इट स्टिल अ ड्रीम मैडम तो हाथ मिलाओ ना सर को देख के वैसे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ पूरा ब्लैंक हुआ पड़ा है सीरियसली क्योंकि यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है शायद आप लोगों की भी वही फीलिंग हो रही है और एक बात और जब स्टेज के आप उस तरफ बैठे हो तो फीलिंग शायद फिफ्टी परसेंट है यहाँ पर आ जाओगे ना आधे आप में से शायद बेहोश हो जाएंगे <laughs> आप बताएंगे शॉर्ट में अपनी जर्नी के बारे में कि आपने क्या किया कैसे किया और आज जिस लेवल तक कैसे पहुंचे पहले मैंने शुरुआत की थी एम बी ए किया जैसे नॉर्मल सभी अपने ग्रेजुएशन करते हैं फिर एम बी ए किया और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ लाइफ में करना है तो मेरे जो ग्रुप था सभी दोस्त कोई डॉक्टर बन गया कोई इंजीनियर बन गया तो मुझे लगा भाई तू तो रह गया तू क्या करेगा तो उस टाइम पे मैंने इंग्लिश का सहारा लिया आप रहने वाले कहाँ के हैं सर भिवानी हरियाणा से भिवानी हरियाणा से, से तो उसके बाद फिर मैंने स्पोकन इंग्लिश का वहाँ देखा तो कोई ऐसा माहौल हमारे वहाँ पे नहीं था सारे हरियाणवी में बात करते हैं कॉलेज में आप जाओगे तो अगर आप हिंदी बोलोगे तो क्या देंगे घड़ा मत है बोला अंग्रेज चले गए बोला तना छोड़ गए तो उस वजह से फिर मैंने भिवानी को छोड़ ही दिया कॉलेज भी मैं कभी कभी जाता था मैंने दिल्ली ट्रेन में आना जाना स्टार्ट किया तो यहाँ मैंने एक दो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए स्पोकन इंग्लिश के सी में और वहाँ फिर मेरी हल्की सी जर्नी स्टार्ट हुई और उस दौरान मेरा ये था कि यार इंग्लिश तुझे आती है नहीं आती आपको सेल्फ बिलीफ नहीं हो पाता ना कि मेरी अच्छी कितनी है तो उसके लिए आपको कोई पैरामीटर चाहिए होता है कोई टेस्ट करना होता है तो उस टाइम पे नया नया 2005 या 6 की मैं बात कर रहा हूँ मैं बहुत बूढ़ा हूँ <laughs> तो कितने हो वैसे क्या एज है आपकी सर मेरी 37 है अभी नवंबर में 38 एट का मैं हूँ मेरे से कम बूढ़े हो सर आप तो अगले 50 साल भी बूढ़े नहीं आने वाले तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने आप को देखें तो इंग्लिश आती है नहीं तेरे को फिर मैंने उस टाइम जो टॉप कॉल सेंटर्स हुआ करते थे कन्वर्जेज आई वी तो मैंने हर किसी में जाके इंटरव्यू देना स्टार्ट किया जॉब करना मेरा मकसद नहीं था उस टाइम पे लेकिन मुझे ये था अपने आप को टेस्ट करना है तो फिर कन्वर्जिज़ में शायद दो या तीन स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट्स थे और वहाँ जाके फिर पाँच या छः घंटे के सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ तो तब मुझे लगा कि हाँ कहीं तो तुम पहुँच गए हो तो वहाँ से स्पोकन इंग्लिश की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी लेकिन क्योंकि भेड़चाल में एम कर रहे थे उस टाइम पे सभी हम भी फंस गए उस चक्कर में एम किया फिर बैंकिंग की जॉब्स निकलने लग गई तो बड़े भाई ने और मैंने बैंकिंग के लिए अप्लाई किया हम दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लग गए पेंशन वाली थी तो क्या चाहिए घर पे दड़ा दड़ रिश्ते आने लगे तो बस खुल के कुप्पा हो जाते हैं ठीक है और आपने कितने साल तक करी वो जॉब साढ़े पांच साल सर साढ़े पांच साल तक आपने वहां पे जॉब करी हाँ जी फिर ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उस जॉब को छोड़ करके अपना ये पास चुना मतलब ऐसा क्या हो गया सर सबसे बड़ी त्रासदी या सबसे बड़ी घटना आप कह सकते हैं मेरी शादी हो गई थी लेकिन शादी होने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है उसके बाद तो प्रेशर भी बढ़ जाता है बिल्कुल सर लेकिन वहां पे हुआ क्या वो जो प्रेशर था उस घबराहट के अंदर मुझे ये समझ आने लग गया कि भाई शादी तो चलो कर ली ये तो किसी तरह मैं शायद निभा लूंगा लेकिन ये जो जॉब जो है ना ये मेरी सेकेंड वाइफ है और इसके साथ मेरा रिश्ता जम नहीं रहा कुछ तो इससे तलाक ले लेना चाहिए तो या तो मेरा जो रियल वाइफ है उनसे तलाक हो जाता या शादी उनसे हो जाता तो मुझे लगा कि भाई तो अब उन्होंने भी सपोर्ट किया होगा <laughs> लेकिन वहां पे एक चीज और हुई सर जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया देर वॉज नो वन टू सपोर्ट मी टू बी ऑनेस्ट क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर में इवन पेरेंट्स फ्रेंड्स तो मेरे कभी रहे नहीं मेरा कभी मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं आज है आज तक नहीं था आज की बात है मैं मजाक रहा

मुझे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की ये जो आपने किया, ये वो करने के बात किया यस सर कमाल है मतलब उस टाइम पे एज कितनी थी आपकी मेरी एज अभी ये तीन साल पहले की बात है सर तो तब आई थिंक आप सबसे सीनियर हो गए अपने वहाँ पे मैं तो कॉलेज में सबसे बूढ़ा मैं ही था सबसे बुरा <laughs> <सबसे बुड़े> आप <laughs>

वो आप इनसे पूछ सकते हैं गुड मॉर्निंग सर मैं ना बेसिकली झारखंड से हूँ यहाँ मैं डी यू की स्टूडेंट हूँ एल एस आर की तो मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने ये डिफरेंस देखा है ना कि वहाँ से और यहाँ में यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग इंग्लिश ही बोलते हैं बट ये डिफरेंस हो जाता है ना कि कहीं कहीं पे अगर हम नहीं बोल पाते हैं तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है लाइक like, मैं बहुत एक्स्ट्रोवर्ट टाइप की हूँ बहुत बोलती हूँ लेकिन ऐसा कहीं कहीं ऐसा एक प्लेस होता है कि जहाँ मैं नहीं बोल पाती और शायद मेरे को उसका एक रीज़न लगता है इंग्लिश तो सर उस टाइम पर कैसे क्या डील करना चाहिए क्या करना चाहिए मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि मुझे भी सेम आपकी तरह ही ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी आप में से कोई भी या इस दुनिया में कोई भी अगर कोई भी नई स्किल को सीखेगा और उसको कोशिश करेगा आजमाने की तो फंबल तो होंगे गलतियां तो होंगी तो आपको ये सोचना है कि आपका मेन टारगेट क्या है मेन गोल क्या है उस रास्ते में हर्डल आएंगे वो हर्डल हमारी जिंदगी में होते हैं जो अनचाहे दोस्त ठीक है और मैं उन्हें दोस्त नहीं कहता मोस्टली आज के दिन दोस्ती के नाम पर टाइम पास चल रहा है तो जो आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेगा चार्ल्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनकी एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है सर आप कहें तो प्लीज प्लीज वो कहते हैं आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हो कि मैं हूं आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम कि मैं वो हूं जो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सोचते हो तो हम हमेशा हमारी एक इमेज कैरी कर कर चलते हैं तो आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से होना चाहिए कि आपके हितैषी कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है तो अगर आपका मेन गोल सही है आपको लोगों को दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ना खुद के लिए आगे बढ़ना है तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत कभी नहीं आएंगी और आप अपनी बस जर्नी कंटिन्यू रखो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट देर आर लॉर्ड ऑफ प्लेसेस जहां पर के आप जा करके इंग्लिश सीख सकते हैं जहां पर और भी लोग आ रहे हैं सीखने के लिए उसमें कुछ बहुत महंगे भी हैं कुछ सस्ते भी हैं तो इसलिए नहीं जा रहे आप इंग्लिश सीखने के लिए क्योंकि वो तो आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं वहां पर आप जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो वहां पर आप अपना सर्कल बना सकते हैं अगर क्लास में मानो बीस बच्चे हैं उसमें हर तरह के होंगे कुछ की एज ज्यादा होगी कुछ की कम होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी जो इंग्लिश है और जो एक्सेंट है वो आपसे भी सौ गुना खराब है तो अगर आप उनको थोड़ा सा हेल्प करें तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा देखो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं या तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके अंदर किसी का कोई डर ही ना हो सामने कोई भी आ जाए कितने भी आ जाए कोई फर्क ही ना पड़े ये एक तरीका होता है दूसरा होता है किसी ऐसे सर्कल में चले जाओ जहां पर के बोलते नहीं अंधो में काणा राजा वहां भी बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है सही बता रहा हूं आपको कि मतलब अगर एक बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ऐसी तो किसी जगह पे चले जाओ जहां पर के वो आपको टीचर का दर्जा दे दे जैसे टीचर जाए अरे ये तो ऐसी <laughs> भी जगह होती है क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा एकदम से तो आप ओवरनाइट तो उनके लेवल पे नहीं आ सकते बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है अब मुझे खेलना है अब मैं जा करके किसी टॉप प्लेयर के साथ में खेलने लग जाऊं तो मेरा जो बचा खुचा कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाएगा चार दिन में बिल्कुल अब मैं अगर चला जाऊं वहां पे पार्क में बच्चों के और हर बॉल पे छक्का अरे भाई <laughs> तो समझे कॉन्फिडेंस तो बढ़ी गया ना तो इस तरह से आप थोड़ा दिमाग से अगर चलोगे थोड़ा अगर अपने माइंड को यूज करोगे सही डायरेक्शन में तो देर आर लॉन्ड ऑफ ऑप्शन फर्स्ट ऑन इंग्लिश एंड सेकेंड ऑन योर लाइफ जर्नी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द असेंट ऑन इंग्लिश इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सो हाउ टू इंप्रूव दैट असेंट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक uh, in everyone's life there comes uh, the, uh, as you said uh, deep moments right and you said how you deal uh, deal with it uh, but how can we as a youth uh, deal with that sabse pehli problem jo hum accent ki baat karte hain aapne accent kaha that is accent तो इसमें हमारी गलती है ही नहीं to be honest. हम आ, एक बात को समझें कि हमारी जो इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं दैट इज ई एस एल इंग्लिश एज अ तो हमारी जो मदर टंग है जो हमारी मातृभाषा है वो हिंदी मराठी गुजराती ये मतलब 22 भाषाएं हमारी कोई सी भी हो सकती है तो हमारा जो एक्सेंट है वो डिपेंड करता है एम तो एम होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस तो मान लो अगर मैं हरियाणा से हूं तो अगर मैं कहता हूँ अरे भाई देखेंगे अंग्रेजी सीख ली जाएगी तो सीख ली जाएगी ना आप इन बेरा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा ठीक है बोला घने अंग्रेज आया चलेगा हमने कोई ना सीखा पाया <laughs> तो अगर मैं मेरी यही टोन कंटिन्यू रखूं तो जो मेरा गला है जो वोकल कोड्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं तो मैंने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया तो मेरे आस पड़ोस वाले सारे मेरा मजाक बनाते थे हिंदी में बात करके देख आ गया अब ये हिंदी में बात करेगा <laughs> चलो कोई बात नहीं लेकिन जब मैंने इंग्लिश को सीखा और फिर मैंने फ़ोन करके उनके इंटरव्यू लेने शुरू किए ना और जो हड़काया उनको एच मैनेजर बन के बड़ा मजा आया कसम से बड़ा मजा आया मतलब तारता था मैंने कहा नो यू डोंट डोंट डिजर्व इट यू डॉ तो आपको एक्सेंट इम्प्रूव करना है तो अच्छी इंग्लिश को सुनिए और अच्छी इंग्लिश बोलकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो नॉर्मल इंग्लिश आपको हो जाएगी आप वैसे प्रैक्टिस कीजिए पहला तो आपका सवाल था एक्सेंट वाला दूसरा जो आप कह रहे हैं कि लाइफ में लो पॉइंट्स आते हैं आप सभी के आते हैं नो no डाउट मैंने हमेशा मेरे बहुत ज्यादा लो पॉइंट आए हैं जब लोग मुझे घर पे आके कहते थे सुसाइड करेगा के काल करेगा परसों करेगा बोले तेरे है तो बोला वो कर गया गैलरी गाड़ में देख वो जुड़ गया ये कौन है ये दोस्त या रिश्तेदार है ये है, है ये सर ये जैसे कॉलेज में एक दोस्त था मेरा तो मतलब कहीं ना कहीं लेकिन वो लोग सच्चे हितेशी हैं आपके ये बात भी ध्यान रखना मैंने हमेशा उन लोगों को बहुत पॉजिटिवली लिया है और ऐसे लोग आपके आसपास होने ही चाहिए तो जब आपका लो पॉइंट आता है उसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लो ठीक है कि आप क्या क्या कर सकते हो कि अब आप जीरो हो गए अरे अब तो आपके पास ऑप्शंस भरे पड़े हैं अब तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है <laughs> अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ तो लो पॉइंट कभी भी आए ये तो सोचो ही मत कि यार सब कुछ खत्म हो गया कई मतलब यंगस्टर्स लग जाते हैं मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे कि यार हमारा कोई नहीं है अकेले दुनिया में बाई कुछ नहीं है दरिया इस धरती पर यार पी का पड़ जाओ उससे उससे कुछ नहीं होगा इज गौतम एंड एक्चुअली सर आई एम स्टैंडर्ड पर्सन बट सर इन इन हिंदी माई 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 स्टैंड सम बट इन इंग्लिश वेरी हाई सेकेंड ये कि सर बिफोर टू ईयर वन एक सर ने मुझे बोल दिया कि बीस साल के बाद कोई भी इंग्लिस अच्छे से नहीं बोल पाता तो ये मेरा मनना में में भी तो उनका है आपको कहीं ना कहीं लाइफ में या अपनी फैमिली में शायद कुछ है जो मतलब आप उभर के 100% परसेंट अपनी पर्सनैलिटी से ऊपर नहीं आ पा रहे हो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप में कम है ठीक है जो लाइफ में आप हो सकता है कि कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊँगा तो वही बात आपकी हिंदी में आ जाती है जब अब मैं सर के सामने बैठा हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे में कॉन्फिडेंस पूरा है मेरी भी अंदर से लगी पड़ी है ठीक है <laughs> आई थिंक मैं पे थोड़ा सा ऐड करूंगा ये जो बात ये बोल रहे हैं ना इन्हीं के क्वेश्चन में इनका जवाब है इनको किसी ने ये बोला है इनके किसी सर ने या किसी ने बोला है कि 20 साल की एज के बाद में जा करके आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो तो ये इनके माइंड में बैठा हुआ है दिस इज अ मेंटल ब्लॉक ये पूरा मेंटल तो, ब्लॉक है सर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपको मैं सच बात बताऊं तो जब मैंने चैनल मेरा वायरल स्टार्ट हुआ था तो मुझे 50 साल 60 साल ऐसे मेरे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होती है ना सब्सक्राइबर से बात करेंगे तो नंबर भेजते थे या मेरा मांगते मैं फट दे देता था बात करते थे हेलो जी हेलो तो एक कोलकाता से एक लेडीज़ थी 60 इयर्स ओल्ड उन्होंने मुझसे इंग्लिश सीखी और उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया मुझे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब मैं किन शब्दों में खुद को भगवान को धन्यवाद दूं कि मेरे को एक टीचर बनाया कि मैं किसी की लाइफ में कोई चेंज ला पाया तो आपका ये जो मेंटल ब्लॉक है ये बिल्कुल आ, गलत है वो जो टीचर या कोई भी इंसान जिसने आपको ये चीज़ कही थी उसकी जिंदगी में दोबारा शक्ल मत देखना वो नित ही हाँ निकम्मा और नेगेटिव किस्म का इंसान है ऐसे इंसान का जो ओरा होता है ना वो भी आपको खराब कर देता है ठीक है पॉजिटिव लोगों के साथ रहो सर की वीडियोस देखते रहो ऐसा कुछ भी नहीं है चाहे आप सत्तर साल के हो जाओ पिचहत्तर साल के हो जाओ जब तक आपका दिमाग एक परसेंट भी चल रहा है आप इंग्लिश क्या दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हो तो उसमें कोई भी एक्सीलेंट पॉइंट थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच